चार के प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्तानी फादविला। उम्मीद है कि आप सेहतमंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, आज हम लफ्ज फिर और क्योंकि पर काम करेंगे। सबसे पहले हम फिर पर काम करेंगे। देखिए बच्चों, उस्तानी को बताइए, फिर में कौन कौन से हुरूफ हैं? प, ह और र। जी हाँ, प, ह और र। फिर देखिए बच्चों, हमारे पास कितने जुमले हैं? हमारे पास दो जुमले हैं। ये पहला जुमला है और ये दूसरा जुमला है। उन दो जुमलों को जोड़ने के लिए हम लफ्ज फिर का इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज फिर का इस्तेमाल करते हैं। आइए वो दो जुमले पढ़ते हैं। असलम उठता है, असलम उठता है, असलम दांत ब्रश करता है, असलम दांत ब्रश करता है। तो बच्चों, सबसे पहले असलम क्या करता है? असलम उठता है। जी हाँ, सबसे पहले असलम उठता है। फिर उसके बाद असलम क्या करता है? फिर असलम दांत ब्रश करता है। जी हाँ, फिर असलम दांत ब्रश करता है। तो बच्चों, हम कहेंगे असलम उठता है, फिर असलम दांत ब्रश करता है। क्या ये सही है बच्चों? जी नहीं, हम दूसरे जुमले से लफ्ज असलम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, हम दूसरे जुमले से लफ्ज असलम निकालेंगे। हम दो बार असलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखते हैं, असलम उठता है, फिर दांत ब्रश करता है। असलम उठता है, फिर दांत ब्रश करता है। असलम उठता है, ये हमारा पहला जुमला है। दांत ब्रश करता है, ये हमारा दूसरा जुमला है, जिससे हमने लफ्ज असलम निकाला। लेकिन बच्चों, कौन दांत ब्रश करता है? हाँ, असलम ही दांत ब्रश करता है। असलम उठता है, फिर दांत ब्रश करता है। आइए अगला जुमला देखते हैं। पढ़िए बच्चों, सारा रोटी खाती है, सारा दूध पीती है। तो बच्चों, सबसे पहले सारा रोटी खाती है। रोटी खाने के बाद, जब उसने रोटी खा ली, उसके बाद सारा दूध पीती है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों? सारा रोटी खाती है, फिर दूध पीती है। ठीक है बच्चों, सारा रोटी खाती है, फिर दूध पीती है। यानी रोटी खाने के बाद वो दूध पीती है। अगला जुमला, माँ ने वुजू किया, माँ ने नमाज पढ़ी।
माँ ने वुजू किया यानी सबसे पहले वुजू किया फिर नमाज पढ़ी, है ना बच्चों? क्या नमाज पढ़ने के बाद माँ ने वुजू किया? नहीं, नमाज पढ़ने से पहले। तो हम क्या कहेंगे बच्चों? माँ ने वुजू किया फिर नमाज पढ़ी। माँ ने वुजू किया हमारा पहला जुमला है, फिर नमाज पढ़ी हम माँ ने को निकालेंगे। ठीक है, माँ ने वुजू किया फिर नमाज पढ़ी। बच्चे पहले पढ़ेंगे, बच्चे खेलेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे? बच्चे पहले पढ़ेंगे। जी हाँ, वो पढ़ाई करेंगे। बच्चे पहले पढ़ेंगे, फिर वो क्या करेंगे? बच्चे खेलेंगे। तो हम क्या कहेंगे बच्चों? बच्चे पहले पढ़ेंगे फिर खेलेंगे। देखा बच्चों, बच्चे पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद खेलेंगे। नूर स्कूल जाएगा, नूर मदरसा जाएगा। तो बच्चों, पहले नूर कहाँ जाएगा? पहले नूर स्कूल जाएगा। सबसे पहले नूर स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद, जब स्कूल की छुट्टी होती है, स्कूल के बाद नूर मदरसा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे? नूर स्कूल जाएगा फिर मदरसा जाएगा, है ना? पढ़िए बच्चों, नूर स्कूल जाएगा फिर मदरसा जाएगा। एक और जुमला, फातिमा घर साफ करेगी। फातिमा क्या करेगी? फातिमा घर साफ करेगी। फातिमा खाना पकाएगी। सबसे पहले बच्चों, फातिमा क्या करेगी? सबसे पहले फातिमा घर साफ करेगी, ये उसका पहला काम है। घर साफ करने के बाद फातिमा क्या करेगी? फातिमा खाना पकाएगी। तो हम क्या कहेंगे बच्चों? फातिमा घर साफ करेगी फिर खाना पकाएगी। फातिमा घर साफ करेगी फिर खाना पकाएगी। आगे बच्चों, इन जुमलों को फिर से पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। असलम उठता है फिर दांत ब्रश करता है। सारा रोटी खाती है फिर दूध पीती है। माँ ने वुजू किया फिर नमाज पढ़ी। बच्चे पहले पढ़ेंगे फिर खेलेंगे। नूर स्कूल जाएगा फिर मदरसा जाएगा। फातिमा घर साफ करेगी फिर खाना पकाएगी। आइए बच्चों, अब हम लव्स क्यों के
पर काम करेंगे। लव्स क्योंकि। क्योंकि का मतलब क्या है बच्चों? बिकॉज, अकॉज। जब हम क्यों से सवाल करते हैं, जब हम क्यों से सवाल करते हैं, तब हम क्योंकि से जवाब देते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक वजह देने के लिए हम क्योंकि का इस्तेमाल करते हैं। हम समंदर जाएंगे, मौसम अच्छा है। फिर से बच्चों, हम समंदर जाएंगे, मौसम अच्छा है। तो बच्चों, हम समंदर क्यों जाएंगे? क्यों हम समंदर जाएंगे? हम समंदर जाएंगे क्योंकि मौसम अच्छा है। अगर मौसम खराब होता, अगर मौसम बरसाती होता, यानी अगर बारिश हो रही होती, तो क्या हम समंदर जाते? नहीं, हम समंदर जाएंगे क्योंकि मौसम अच्छा है। पढ़िए बच्चों, हम समंदर जाएंगे क्योंकि मौसम अच्छा है। फिर से बच्चों, हम समंदर जाएंगे क्योंकि मौसम अच्छा है। ये देखिए बच्चों, माँ बाजार जाती है। माँ कहाँ जाती है? माँ बाजार जाती है। घर पर सब्जी नहीं है। क्या घर पर सब्जी है बच्चों? नहीं, घर पर सब्जी नहीं है। माँ बाजार जाती है, घर पर सब्जी नहीं है। तो बच्चों, माँ बाजार क्यों जाती है? माँ बाजार क्यों जाती है? माँ बाजार जाती है क्योंकि घर पर सब्जी नहीं है। घर पर सब्जी नहीं है, इसीलिए माँ बाजार जाती है। तो बच्चों, अगर घर पर सब्जी होती, तो क्या माँ बाजार जाती? जी नहीं, माँ बाजार जाती है क्योंकि घर पर सब्जी नहीं है। जफर ने काम नहीं किया, उस्ताद नाराज हैं। किसने काम नहीं किया बच्चों? जफर ने काम नहीं किया। कौन नाराज है? उस्ताद नाराज है। बच्चों, जब आप काम नहीं करते हैं, तो आपके उस्ताद खुश होते हैं या नाराज होते हैं? जी हाँ, उस्ताद नाराज होते हैं। उस्ताद नाराज क्यों है? उस्ताद नाराज है क्योंकि जफर ने काम नहीं किया। अगर जफर ने काम किया होता, तो क्या उस्ताद नाराज होते? जी नहीं, अगर जफर ने काम किया होता, तो उस्ताद नाराज नहीं होते। उस्ताद नाराज क्यों है? उस्ताद नाराज है क्योंकि जफर ने काम नहीं किया। ज़ैन भूखा है, उसको भूख लगी है। ज़ैन को भूख लगी है, वो भूखा है। ज़ैन रोटी खाता है। ज़ैन क्या खाता है बच्चों?
ज़ैन रोटी खाता है। तो बच्चों, ज़ैन रोटी क्यों खाता है? ज़ैन रोटी खाता है क्योंकि वह भूखा है। ज़ैन रोटी क्यों खाता है? ज़ैन रोटी खाता है क्योंकि वह भूखा है। ठीक है बच्चों, ज़ैन भूखा है इसीलिए वह रोटी खाता है। तो ज़ैन रोटी क्यों खाता है? ज़ैन रोटी खाता है क्योंकि वह भूखा है। बच्चे खुश हैं। बच्चे कैसे हैं बच्चों? बच्चे खुश हैं। वो पिकनिक पर जा रहे हैं। बच्चे क्यों खुश हैं? बच्चे खुश हैं क्योंकि वो पिकनिक पर जा रहे हैं। बच्चे खुश हैं क्योंकि वो पिकनिक पर जा रहे हैं। बच्चे क्यों खुश हैं? बच्चे खुश हैं क्योंकि वो पिकनिक पर जा रहे हैं। अहमद ने मेहनत की। अहमद ने मेहनत की। अहमद कामयाब हुआ। अहमद क्यों कामयाब हुआ बच्चों? वो इम्तिहान में पास हुआ, वो कामयाब हुआ। वो क्यों कामयाब हुआ? अहमद कामयाब हुआ क्योंकि उसने मेहनत की। अहमद कामयाब क्यों हुआ? अहमद कामयाब हुआ क्योंकि उसने मेहनत की। आइए बच्चों, इन जुमलों को फिर से पढ़ते हैं। हम समंदर जाएंगे क्योंकि मौसम अच्छा है। माँ बाजार जाती है क्योंकि घर पर सब्जी नहीं है। उस्ताद नाराज है क्योंकि जफर ने काम नहीं किया। ज़ैन रोटी खाता है क्योंकि वो भूखा है। बच्चे खुश हैं क्योंकि वो पिकनिक पर जा रहे हैं। अहमद कामयाब हुआ क्योंकि उसने मेहनत की। आज का सबक यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे बच्चों। अल्लाह हाफिज।